और देखिए थर्ड फेज के इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो अग्निवीर योजना है उस पर हमले तेज कर दिए हैं। कैसे, यहाँ पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, युवाओं से मुलाकात होती है और राहुल गांधी क्या कुछ वहां पर कहते हैं वो भी बताएंगे। और देखिए एक कदम आगे बढ़कर के राहुल गांधी ने एक नया दाव भी किया है, वो दाव क्या है देखिए। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी हमला बोला। दिल्ली के जवाहर भवन में जुटे अग्निवीर भर्ती योजना के युवाओं के बीच राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो अग्निवीर योजना खत्म करेगी और इससे प्रभावित 1.5 लाख युवाओं को इंसाफ मिलेगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो बट आपका नुकसान तो हो गया है, एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। राहुल ने अग्निवीर योजना पर दिल्ली की बैठक में निशाना साधा तो उधर बदायूं की चुनावी रैली में अखिलेश ये कहते सुनाई पड़े कि अग्निवीर को कभी भी हिंदुस्तान का नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले तो